अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8A। हमारा अलजेब्रा चल रहा है, आपको पता है पेज नंबर 122 एंड 123। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 8A का क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और एंड फॉल्स। आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे क्योंकि मैथ के हैं तो हमें थोड़ा अगर सॉल्व करना है तो इस वजह से हमने यहाँ पे रेफर का कॉलम भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जीरो इज अ होल नंबर, तो जीरो एक होल नंबर होता है, इसमें तो कोई सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, तो ये ट्रू ही है। अब आप यहाँ देखें, इज इक्वल टू दिया हुआ है, दोनों साइड पे नंबर दिए हुए हैं, दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो वो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसको रफ वर्क में करके देखेंगे, 5 + 9 इज इक्वल टू 18 - 5। 9 और 5 को आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14, और 18 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 13। तो इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे थर्ड है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है खाली एक इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर और इवन, तो ये सही है यहाँ पे। अच्छा, इसके डैश मैंने यहाँ लगा दिए क्योंकि आगे जगह नहीं हो रही थी, लेकिन आप अगर स्पेस बन जाए तो आप आगे ही कीजिएगा। 17 इज अ नेचुरल नंबर, तो 17 जो है वो नेचुरल नंबर ही है, ऑल नंबर आर नेचुरल नंबर, उसमें चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, 5 है हमारा, 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ इन्होंने ट्राइंगल दे दिया है, 7 मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे यकीनन कोई नंबर था और इसका आंसर आया 21। तो वो नंबर क्या था, वैन अगर हम ट्राइंगल की वैल्यू जो है सपोज कर लेते हैं 4, तो आप क्या करें, पहले आपने क्वेश्चन उतारा रफ वर्क में, ट्राइंगल की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 7 4 तो क्या होता है, 7 4 तो 28 होता है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि 7 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 4 सपोज करें तो 21, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो 28 होता है, तो ये फॉल्स है। अब सेकेंड, अच्छा ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 5 ज़ा क्या होता है, 4 5 ज़ा होता है 20, तो ये आंसर हमारे इन्होंने दिया हुआ है हमें 45, तो ये तो फिर रॉन्ग है, सामने ही पता चल रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब उन्होंने आपको वैल्यू दी, एक इक्वेशन है 5x + 5 = 10। अब x की वैल्यू है 1, तो आप इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट कर दें और फिर आप जो इसको सॉल्व करें, 5 × 5 + 5 = 10 हो गए, 5 और 5 = 10 और इक्वल टू 10, तो दोनों ट्रू हैं क्योंकि दोनों साइड इजिकल के बैलेंस हो चुकी है, तो वो 10 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 12 + 3 हो या 3 + 12 हो, दोनों सेम है, दोनों के आंसर 15 आ रहे हैं, तो ये भी ट्रू है। अब देखें 0.5 को आप जो है वो डिवाइड करेंगे 1/5 से, तो इसका आगे का आंसर क्या आएगा, तो ये एक फॉल्स है क्योंकि ये इस तरह से नहीं सोल्यूशन हो सकता, तो ये आप यहाँ पे फॉल्स कर दें इसको, 0.5 जो है 1/5 के इक्वल नहीं हो रहा होता, तो ये भी आपका यहाँ पे फॉल्स है। अच्छा, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, रिप्लेस द लेटर बाय द न्यूमेरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी अब हमें क्या करना है कि रिप्लेस करना है लेटर को और हमें उसकी वैल्यू जो है वो लेकर आनी है। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स है वाई है पी है जो भी दिया हुआ है उसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो जो उसके 7 नंबर होते हैं हम उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ हमने सॉल्व की हेडिंग डाली, तो क्वेश्चन उतारा दोबारा से, अब x को यहीं रहने दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 9 तो अपनी जगह पे, +2 उधर जाके हो गया -2, तो 9 में से 2 को हमने माइनस किया तो आंसर हमारा आता है 7। साइन देखेंगे, प्लस का 9 के साथ प्लस है, जो बड़े का साइन होता है वो लगता है प्लस माइनस में, तो ये हमारा आंसर जो है वो ठीक है, x = 7। सही, अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 - p = 2। तो आपने क्या किया, आपने p को यहीं रहने दिया, जो 7 यहाँ पे, अगर आप p को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्योंकि हमें इसको माइनस को ख़त्म करना है क्योंकि अब माइनस p के साथ है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम p को दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि वो प्लस p बन गया और 7 अपनी जगह पे और 2 इधर लेकर आ गए हम, तो माइनस का प्लस का 2 जो है वो माइनस का 2 बन गया। ठीक है, तो 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 5 आ गया और ये p, तो इसको अब चाहे आप ऐसे दोबारा से लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, p = 5। सही, हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है, हमने क्योंकि माइनस का साइन ख़त्म करना था, वैसे अगर आप लगा भी देंगे और आंसर तक में वो -5 ही रहेगा तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो सही है, लेकिन सही जब ही लग रहा होता है जबकि आप माइनस जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारा है 3y = 15। 3 और y आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है,
क्योंकि 3y के साथ। तो अब अगर हम 3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं इज इक्वल टू के, तो वो डिवाइड होगा। 3 × 3, 3 × 5 = 15, तो y इज इक्वल टू 5। राइट अब आप यहाँ देखें 45 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है, ठीक है। या तो यहाँ पे x पहले होना चाहिए था, हम y को जो है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन जो है ना ये रॉन्ग है। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो फिर हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हमारा आंसर आता है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो आपका 9 दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैंसिल कर रहे हैं, हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बुक में भी इसका आंसर जो है रॉन्ग है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं इसका। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से जो है हमें स्टेटमेंट पढ़ें और फिर उसकी जो है आप जो है इक्वेशन बनाएंगे। द सम ऑफ पी एंड क्यू, सम सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है प्लस, पी एंड क्यू, ये इसका आंसर है। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ए एंड बी तो बी जो है वो ग्रेटर है, तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, ए माइनस बी, ये हमारा आंसर है। सिंपल है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। टू टू थर्ड ऑफ एक्स, यानी टू थर्ड का क्या मतलब होता है, टू अपॉन थ्री और उसके साथ एक्स, ठीक है, एडेड यानी कि प्लस टू वाई। बहुत अब समझ में, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं वैसे आप उसकी इक्वेशन जो है वो आप बनाते जाएं। द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, यानी द प्रोडक्ट, यानी आंसर आ चुका है, यानी बिल्कुल आप एंड में उसको लिख दें एम एंड एन, और हमने ऐड क्या किया हुआ था, टू देयर सम, यानी इसी के सम को ऐड करके हमारे पास ये वाला आंसर आया था। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनती है, ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q, व्हेन 2p इज लेस देन 3q, यानी कि जो 2p जो है वो लेस है, 3q जो है बड़ा है, जो बड़ी वैल्यू उसको आप पहले करते हैं। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, 3q - 2p, ये हमारा इसका। अच्छा, सबके साथ आंसर भी लगा दीजिएगा, वो मैं लगाना भूल गई, यहाँ पे लिख दीजिए, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं 7 पे आ गए। द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n, द सम ऑफ n, अच्छा एक हमारे ये रह गया 6, ये मैं इसकी स्पेस यही छोटी सी जगह बची हुई है वहीं कट देती हूँ, ज़रा आप लोग ज़रा फोकस करके ज़रा देख लीजिएगा। 3 times a, यानी 3 times a का मतलब होता है 3a, तीन दफ़ा a, एडिड टू 4 times b, यानी 4b, ऐड करा, एडिड का मतलब ऐड, 4 प्लस का साइन लगाया एंड 4b, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल नीचे लिख दिया इसके ताकि थोड़े से प्रॉब्लम ना हो रहा। द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ m यानी प्लस n, पहले m सम का मतलब, फिर आप प्लस का निशान लगा दें, एन क्वेश्चन बाय 2 यानी एन अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया। एंड इसका लास्ट है, द क्वेश्चन ऑफ ए एंड बी, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, ए एंड बी, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, यानी ए डिवाइडेड बाय बी, एडिड यानी कि प्लस, एंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब मैं बहुत दफा बता चुकी है, यानी कि वो जो आपको वेरिएबल्स दिए हैं उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, यानी तो ए और बी हो गया, ये हो गया। सिर्फ इक्वेशन बनानी है, उसको आपको सॉल्व वगैरह नहीं करना, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अब आपको इन सब को सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करते हैं, आसान है, सबके बीच में कॉमा लगा दें, साइन ज़रूर देख के लगाइएगा, जो साइन उसके साथ दिए हुए वही लगाइएगा, चाहे कॉमा क्यों ना लगाएं, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस 2xyz कॉमा माइनस 3xy कॉमा प्लस, प्लस का साइन ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ये माइनस ये ज़रूर लगा दीजिएगा, ए बी सी कॉमा 2fgh कॉमा माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर कॉमा माइनस ch स्क्वायर, राइट, ये हमारा इसका आंसर हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लास्ट है इसका। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हूज टर्म्स आर गिवन बिलो, ठीक है। अब आपको जो है इसकी इक्वेशन, अभी हम सेपरेट कर रहे थे, अब ये सेपरेट हुआ हुआ दिया है, हमें वो जो है उसको एक साथ लिखना है, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पूरी स्टेटमेंट बनाना है, इक्वेशन बनानी है।
तो ये भी आसान है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। ए, अब चाहिए हमें ना क्या भैया, -3 भी, तो कॉमा हटा दिया, -3 भी, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाया, 4c, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ 5, -5ABC, -7BCD कॉमा रिमूव कर दिया है, +3ABD, ये इसका आंसर है। और ये हमारा लास्ट होगा इस एक्सरसाइज का, 8A का क्वेश्चन, 3U, अच्छा ये मेरे को कॉमा रिमूव करना है, -1/2GT, और ये इसका आंसर है। सबके साथ सॉल्व ज़रूर लिख दीजिएगा, जहाँ अगर मैं गलती से भूल भी गई हूँ सॉल्व लिखना तो उसकी हेडिंग ज़रूर डाल दीजिएगा। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, अलजेब्रा इतनी मुश्किल होती नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है उसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगी, आज हमारी एक्सरसाइज 8A ख़त्म हो गई है। थैंक यू।